तो सलाम नमस्कार राजू जी, राजू परुलेकर जी हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं। वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, एनालिस्ट है, कवि है, पोएट है, पत्रकार है, ब्लॉगर है, और आज की जबान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं उनको, बहुत बड़ी तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर। राजू जी, किस बात पे बात करें? महाराष्ट्र और देश की, महाराष्ट्र के चुनाव की, राज्य और धर्म की, या सभ्यता के संकट की? तो ये बात मैं चाह रही थी कि आपसे लंबी सर पे आपके चाह रही थी कि आपके साथ एक चर्चा करें, क्योंकि एक तरह से लगता है राजनीति को देखकर और महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर 20 को आ रहे हैं उसको देखकर कि पूरी राजनीति का एक संकट भी है और सभ्यता का भी एक संकट है। किस तरह हमको इस चुनौती का सामना करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस स्थिति में देश इस स्थिति में पहुंच गया है कि सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ये प्रेसिडेंस बना लिया है कि प्रधानमंत्री और इस देश में सत्ता की गलियारों में जो भी कोई है, वो किसी व्यक्ति को या संस्था को या देश को या प्रजा को जवाबदेह नहीं है। तो उस मामले में लड़ना सबसे इम्पोर्टेंट और अहम है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लड़ेंगे तो समस्या ये है कि देखिए, आपको अपने ही वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने इलेक्शन चुराई गई, ये आपने ढूंढ निकाला, लेकिन वो चुराने के बाद आपको करना क्या? इलेक्शन कमीशन आपको जवाब ही नहीं देता, खत के जवाब नहीं देता, तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर लड़ना कहाँ है? तो मेन तो ये है, इनके फाइनेंशियल सोर्सेस जो हैं और जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए हैं, वो अडानी के साथ मिलकर, अडानी, बुच, मोदी, शाह, डोवाल, ये जो हैं उसके ऊपर बात करते रहना और लोगों को जागरूक करना, क्योंकि सारे लोगों की संपत्ति जो है, देश की संपत्ति है, PSUs है, ये लोगों ने हाथ में ले रखी है, और इसके लिए बाकी सारी इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो उस पर काम कर रहे हैं जो राहुल जी और कांग्रेस का सेल, एक तरह से पवन जी, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक्चुअली पहले के जमाने में सुचेता दलाल, मनी लाइफ और ये लोग करते थे, अब ये लोग एक्चुअली पॉलिटिशियन को करना पड़ रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और कांग्रेस ये क्या बुश पे बात कर रही है। मैं कहता हूं कि जहां पर तोते की जान है वहीं पे आप उस कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतनी सारी ताकत नहीं है कि आप हर जगह पे हमला करो। आप बस तो राक्षस की जान एक तोते में है और तोते के जान कहाँ पर है वो आपको ढूंढना है। विकल्प के नाम से महाविकास आघाड़ी ही खड़ी है हमारे सामने एक तरह से देखो, और जो भी अपने हमारे जो वामपंथी पक्ष हैं, CPI, CPM, शेखा पक्ष वगैरह, वो भी महाविकास आघाड़ी को फुली फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर विकल्प में महाराष्ट्र की जनता के सामने, आवाम के सामने महाविकास आघाड़ी है, तो उनको कौन से मुद्दे उठाने चाहिए और किस तरह लड़ना चाहिए था? देखिए, एक बात है कि कांग्रेस को आजादी के बाद में बहुत सालों तक ये आदत नहीं है कि छोटी पार्टियां जो है या प्रादेशिक पार्टियां हैं उसके साथ गठबंधन करने के साथ साथ उनको सम्मान देना चाहिए और उनकी अपनी स्पेस होती है, उसके उसका लिहाज करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में थोड़ा क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पवार साहब एक्चुअली एक पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन पवार मूलतः कांग्रेसी है, तो वो पैंतरेबाजी सारी जानते हैं ये, तो उनके लिए कोई क्षति वगैरह नहीं है, वो हर चीज को उस तरह से हैंडल कर सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस को हैंडल। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो देखिए, आपको मैं एक बताता हूँ, महाराष्ट्र के फेस, नैरेटिव के फेस और यह सहानुभूति जो जनता में है उसके फेस उद्धव ठाकरे ही है। कल आपने देखा वो वनगा जो शिंदे साहब के साथ गया था, वो रोया और बोला कि वो भगवान जैसे आदमी थे ठाकरे, मैंने उनके साथ विश्वासघात किया तो भगवान ने मुझे सजा दी। तो ये गद्दार वाली जो छवि है इन लोगों की, जो 40 लोग गए थे, वो फिर से उभर के आ गए सारे देश के सामने, मेनली महाराष्ट्र के सामने। तो उद्धव ठाकरे की जो अपनी स्पेस है उसका कांग्रेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब सांगली में लोकसभा में एक हुआ कि विशाल पाटिल खड़े रहे और इनके चंद्रहास पाटिल, नहीं, विशाल पाटिल अपक्ष खड़े हुए, उनको कांग्रेस के वहां के यूनिट ने सपोर्ट किया, हालांकि विश्वजीत कदम वगैरह, और फिर वो चुन के आए और शिवसेना के जो एक्चुअल वो जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़े हुए थे चंद्रहास पाटिल, वो हार गए। तब से कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि वो हर जिले का, हर सूबे का एक नेता है, उसको लगता है मैं अपनी काबिलियत राहुल जी को दिखाऊं, और इसके लिए वो अब हर कोई करने क्या लगा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जहां उम्मीदवार है, अब दबने लायक पवार तो है नहीं, पवार
पवार को क्या दबाएंगे ये लोग, पवार ही इनको दबा चुके हैं, खा चुके हैं कांग्रेस को। तो दबने वाले तो उद्धव हैं ऐसे। अब वो उनको उनको क्या कर रहे हैं कि हर जगह वो सांगली पैटर्न यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या करता है कि वहां पर जैसे कि आप रामटेक में सुनील केदार कर रहे हैं, वहां पर एक उम्मीदवार खड़ा करो, वो अपक्ष करो, वो कहे कि हम थोड़ी कांग्रेस की तरफ से कोई घुड़ा है, वो तो उसने तो बगावत कर ली, और पूरा कांग्रेस का यूनिट पीछे लग जाता है। अब शिवसेना की तरफ से रिएक्शन क्या आता है उद्धव ठाकरे के पास कि देखिए शिवसैनिकों ने एमपी जब सांसद के रूप में कांग्रेस का खड़ा था, और रामटेक में 5 बार जीती है शिवसेना सांसद भी की सीट, तो वहां पर हमने खून का पसीने से लड़ा और उनको चुन के लाया संसद में, और अब जब हमारी बारी है, हमारा जो एमएलए था, जो हमारा विधायक था, वो शिंदे के साथ गया, तो वहां पर हमारा विधायक खड़ा होता है जो अधिकृत रूप से महाविकास आघाड़ी का है, उसके खिलाफ कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस का पूरा वहां का यूनिट काम कर रहा है। ये खेल जो है ना वो खतरनाक खेल है। अब आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे क्या बच्चे हैं कि वो जानते नहीं है खेल किसका है और कैसे खेला जाता है? और ये खेल तो उद्धव ठाकरे के साथ पवार साहब भी खेल रहे हैं दो तीन जगह पर। पवार साहब की और एक कम यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, आगे आएगी वो, जब गठबंधन होगा तो अडानी का क्या करेंगे, क्योंकि अडानी एक जमाने में वो शाम ची आई था ना मराठी में साने गुरु जी का, वैसे शाम था पवार साहब का, अब वो पाबलो बन चुका है, फिर भी पवार उसको शाम ही मानते हैं, उन्होंने हर बार बोला है, उनसे ये भी लिया है, फंड्स भी लिए हैं, तो अब ये समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक दूसरे की आप स्पेस की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप यहाँ की रीजनल पार्टी की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप उद्धव ठाकरे को समझ रहे हो कि उनको राजनीति की ये चाल समझ में नहीं आती, उनको क्यों लगेगा कि यार बीजेपी के साथ अपमान हो रहा था तो कांग्रेस वाले अलग ही पैंतरेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ना उनको। कि जब लोकसभा चुनाव के पहले जब प्रचार चल रहा था तो उद्धव जी के कम से कम 3 सभाओं में मैंने बिल्किस बानो जी की उदाहरण लेते हुए भरी सभा में उन्होंने उल्लेखन किया। वैसे तो मैंने कोई कांग्रेस के लीडर को महाराष्ट्र में तो नहीं देखा इस तरह से बोलते हुए। और जो उनकी मुख्यमंत्री का जो एक पद का समय था, ड्यूरेशन था, उस वक्त भी उनको बहुत सारा उनकी जो मेथड ऑफ गवर्नेंस थी बहुत उनको इज्जत मिली है अलग अलग तबकों से। मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे मुसलमान तबकों का, क्योंकि हम मुसलमान कम्युनिटी में हम काफी काम करते हैं। तो कोविड महामारी के बीच में जिस तरह कई जगह पे मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों कोरोना क्वारंटीन के लिए दे दिए, और एज अ चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ने उनको धन्यवाद भी दिया पब्लिकली कि ये बहुत बड़ा काम ये कम्युनिटी ने किया है। उससे एक जो रास्ता बना उनका मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वो आज भी मजबूत है। तो मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि वहां के भी सीटें उन्होंने डीएमके और समाजवादी पार्टी की वजह से जीती है, और आज भी संविधान बचाने वाली ताकतें को अपने आप को बड़े संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान पे हावी जो ताकतें हैं वो अपना लक्ष्य लक्ष्य भूली नहीं है, बिल्कुल भूली नहीं। एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि चाहे वो धारावी का मामला हो या गढ़चिरौली के जंगल का मामला हो, आप थोड़े हमारे दर्शकों को समझाएं कि अडानी का खतरा किस किस हद तक ये देश में है लोगों के जिंदगी में। अडानी का खतरा नहीं है, अब अडानी हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, जो निगेटिव हिस्सा है, यानी हमारा लाइट बिल आता है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो हम 5-4 गुना ज्यादा भरते हैं, या हम कोयले की जो हमें जो खपत हो रही है हमारे लिए वो बहुत महंगी दे रहे हैं हम, और सस्ते दर्जे का, यानी हर चीज में फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। आप एयरपोर्ट पे जाइए, पोर्ट पे जाइए, सब जगह पर उनका कंट्रोल है, यहाँ तक कि वो इसराइल से हथियार खरीद रहे हैं और वो हिंदुस्तानी नाम देकर कवाची है वो सब नाम देकर बेच रहे हैं मार्केट में। मुंद्रा पोर्ट पे इतना बड़ी तादाद में ड्रग्स आते हैं, ड्रग्स और आर्ममेंट। ये मैंने पाब्लो क्यों कहा, पाब्लो इसलिए मैंने जानबूझ के कहा, मैंने कोई हवा में एक नाम नहीं निकाला। तो ड्रग्स और आर्ममेंट का उसका कोई हिसाब भारत की जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो पोर्ट उनके कब्जे में है, एयरपोर्ट्स उनके कब्जे में, हर वो नाक देश की पीएसयू उनके कब्जे में, एक के पीछे एक जा रही है। और ऊपर आपने जो गढ़चिरौली का बोला, गढ़चिरौली सुरजागढ़ में इन लोग कह रहे हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट किया, वो किया,
नक्सलवाद का बंदोबस्त किया। ये नक्सलवाद के नाम पर वहां पर हर जगह पुलिस चौकी बनाई है और वो पुलिस चौकी के पीछे जंगल को तोड़कर खदान बन रही है अडानी की, वो आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, हम जा ही नहीं सकते। और वहां के जो एनजीओस काम करने वाले थे वो जेल में सड़ रहे हैं, तो अडानी के लिए वहां है। अब आप उद्धव ठाकरे की मैं एक और बात बताता हूँ, वर्षा गायकवाड़ धारावी को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रही है कांग्रेस की, वो अगर एमपी के, उनको खुद को पूछे, सांसद चुन के आई तो सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से आई। उद्धव ठाकरे ने सभा में कहा कि ये मेरी बहन है और उसको मैं चुनकर लाऊंगा, और उन्होंने लाया। लेकिन कांग्रेस को देखिए, मैं कांग्रेस का मुझे आज पता नहीं, जैसे इंदिरा जी के टाइम हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, लेकिन हमको मालूम था इंदिरा 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 इंदिरा, तो कांग्रेस की कौन नेता इंदिरा। तो इवन राजीव जी के टाइम में भी, यानी हम तब भी हम बड़े नहीं थे, छोटे थे, लेकिन फिर भी राजीव, आज के तारीख में राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में किससे बात करनी है और किसको बताना है। देखिए, हमारा कोई स्वार्थ, आपका निजी स्वार्थ है कि आप इतने सालों से लड़ रही, कौन सा निजी स्वार्थ आपका है? आप कौन सा यानी गोल्ड मैन गोल्ड वुमन बनी है कि जिसके निजी स्वार्थ आपने पूरा किया? देखिए, जो देश की बात है वो अगर कांग्रेस पार्टी के सिर आला कमान के पास पहुंचाना है तो किसके पास पहुंचाएंगे? खड़गे की कोई सुनता नहीं है, वेणुगोपाल तो किसी की सुनते नहीं है, अब राहुल जी को आप बताने की कोशिश करें तो उन तक पहुंचना मुश्किल है। अब प्रियंका जी आ रही है राजनीति में, उनका स्वागत है, लेकिन उनके पास जाने के जरिए, यानी ये मैं और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम हो सकता है पहुंच भी सके, लेकिन जो मुझे फीडबैक आता है तो हर कोई फीडबैक में उनको तक नहीं पहुंचा सकता। तो लोगों के लिए पगडंडिया रास्ते बनने चाहिए जो लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो उद्धव ठाकरे का जो ये मामला है, ये राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक ठीक से पहुंचना चाहिए कि हमारे ये साथी हैं और हमारे साथ ये लड़ रहे हैं संविधान के लिए, तो इनके स्पेस की रक्षा करना हमारा काम है, ना कि हमारे सूबेदार जो है वहां के, उनकी जीत को हासिल करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो विश्वजीत कदम, सुनील केदार, ये लोग सब बहुत अच्छे नेता है, मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रू कांग्रेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम बोले अपक्ष खड़ा करके मैंने अपना चुनक कराया, इससे फायदा नहीं लंबे में होने वाला, लॉन्ग टर्म में आप संविधान की हत्या करने जा रहे हो। अगर इससे उग के आपके साथी सब भाजपा के साथ चले गए तो क्या मिलेगा आपको? खुद के बल पर लड़कर लोकसभा में कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें मिली है, और बाकी जो सीटें मिली है उनके अलायंस की वजह से मिली है, इंडिया अलायंस की वजह से मिली है। जो इंडिया अलायंस अगस्त 31, 2023 को पैदा होने के बाद 3 राज्य के चुनाव तक कोई प्रचार नहीं कर रहा था, और हम लोग सब अपेक्षित थे कि कुछ ना कुछ हो, मगर जब तक कांग्रेस ने वो चुनाव का सामना किया और हार गई, तब तक उन्होंने वापस इंडिया अलायंस की मीटिंग भी नहीं ली। तो ये इतिहास है, ज्यादा दूर का इतिहास नहीं है, और समाजवादी पार्टी भी काफी खफा है, सिर्फ उद्धव जी की बात नहीं है, उद्धव जी तो है ही और वाजपेयी है, मगर समाजवादी पार्टी भी काफी खफा है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, और बाकी भी अलायंस पार्टनर्स खुश नहीं है। तो ये बहुत एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप नागरिक के लिए, महाराष्ट्र के नागरिक के लिए, महाराष्ट्र के किसान के लिए, महाराष्ट्र के कामगार के लिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस और ने वोट लिए, उन्होंने उनको 31 सीट मिली 48 सीट में से, और यही कह के लिए कि हम संविधान को बचाने वाले, मगर आज अगर आप साथ में होकर इज्जत से संविधान को नहीं बचाएंगे और इस तरह के गेम्स खेलेंगे, तो ये बात सही है ना कि आप और हमको विपक्ष को ज्यादा सवाल करना चाहिए। रूलिंग पार्टी तो है, वो है, उनका तो एजेंडा तो क्लियर ही है, उनको हिंदू राष्ट्र का एक सपना दिखाना है जो संविधान के खिलाफ है, वो हिंदू राष्ट्र। देखिए, और ये इससे सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के लिए अगर ये जो लोग खड़े रहे, मैंने ये भी देखिए, आप लिस्ट देखिए, मेरा तो मन ही चला गया, यानी मैं राजनीति से मैं जितना भागना चाहता हूँ उतना राजनीति मुझे भागने नहीं देती, इतनी बुरी तरह से फंस जाता हूँ। तो सब ये लिस्ट देखिए, कांग्रेस की लिस्ट देखिए और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो सारे सूबेदार है, सारे सामंतवादी नेता है, इनको जनता का कोई चेहरा नहीं है, इनके 24 लोग है जिनके शुगर केन फैक्ट्रीज है, शक्कर के वो है कारखाने हैं, उन्हें वो ये ऐसे हैं बड़े बड़े नेता। तो आम आदमी, आम चेहरा, देखिए आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, मुझे कल ही
पता चला, वो रामटेक की जो मैंने कहानी बनी, वहां पर एक आदमी बरगड़े करके खड़े हैं, जो उनको खड़ा किया है शिवसेना ने, टिकट दिया है, महाविकास आघाड़ी का टिकट दिया है, बाकायदा साफ चर्चा होकर दिया है। वो एक छोटा बिजनेसमैन है, वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। अब जहां पर यहाँ पर दादर में सदा सरवणकर और अमित ठाकरे के सामने जो दिया है महेश सावंत, आपने कोई उसके कारखाने वारखाने देखा नहीं होंगे। अगर महेश सावंत एक ठोस कार्यकर्ता है, हम हाँ जानते होंगे। एग्जैक्टली, जैसे कि भाईखला में देखिए एक मनोज जामसूतकर नाम के कार्यकर्ता है, आपने बहुत कुछ, वो उनका हवा नहीं है, उनके पीछे आगे 15 गाड़ियां नहीं चलती, उनके पिताजी ने बहुत सारे कदम शुगर फैक्ट्रीज, मोहिते पाटिल ये शिक्षा संस्था, ये सब खड़ा नहीं किया है। लेकिन आप ये समझिए कि वो रियल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। आप पहले से देखिए, जब कांग्रेस बहुत पावरफुल थी तब भी देखिए कि हमारे, मैं याद करता हूँ, मैंने पहली बार आर्टिकल लिखा था, मैं 21 साल, यानी कुमार केतकर जी तब ऑब्जर्वर के एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करते थे, ये अंबानी का था ऑब्जर्वर, तो वहां पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था प्रॉब्लम यह है कि अगर रेशन कार्ड बनाना है तो शाखा में शिवसेना के आसानी से लोग मिलते हैं और कांग्रेस का कोई मिलता ही नहीं है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कब मालूम है, कोविड में। वो बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में ऑक्सीजन घर घर पहुंचाया गया, इवन मुंबई में डॉक्टर मोनिका जगताप ने बहुत अच्छा काम किया, इसका हम मानते हैं इसका। लेकिन इसका कोई एक संगठित रूप, यानी अपने दोस्तों के साथ रखना, उसकी कोऑर्डिनेशन करना, ये एक तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ही है कि वो अपने आप को विश्वव्यापी पार्टी मानती है। हालांकि मैंने इंडिया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का ये देखा है सम्मेलन, पर आप अगर खाना भी रखो तो कितने लोग आते हैं आप देखिए जाके, आज ऐसे हालत में वहां भी ऐसी हालत है। तो बात यह है कि ये जो पूरे देश में फैली हुई देश की जो पार्टी है, उसके प्रभारी आते हैं वो दूसरे राज्य से आते हैं, उनको यहाँ का कुछ मालूम नहीं, यहाँ के पेंच नहीं मालूम, तो उनके साथ एक ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति तो कम से कम दे दे, जो राजनीति से लेना देना नहीं, जिसको, जैसे आप है व्यक्ति, आपने इतने साल अपने लाइफ के कुछ अच्छा कर सकती थी, और भी अच्छा, और लाइफ बना सकती थी, यानी माफ करना आपका जो, आपकी जो लिगेसी है वो इतनी बड़ी है, यानी चिमनलाल सेटलवाड, यानी भक्त लोग जब आपको ट्रोल करते हैं तो मुझे बुरा लगता है कि ये कहाँ से लड़ती है, वो पूछते हैं, तो उनको आजादी के बाद का इतिहास अगर एक बार पढ़े, चिमनलाल सेटलवाड़ जी कौन थे, अतुल सेटलवाड़ जी कौन थे, ये सारी आपको बताएं, तो मैं लोगों को बताता तो लोगों को मालूम नहीं होता, तो ये बात आप लड़ क्यों रही थी, आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जो आदमी प्रभारी आता है उसको कांग्रेस एक साथ रखें, तो उसको समझ में आएगा कि क्या कोऑर्डिनेशन करना है। कांग्रेस के राज्य के लेवल के जो अध्यक्ष है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, 100 करोड़ का चेक ले रहा है अडानी के साथ और उसके फोटो खींच के दुनिया भर डाल, 100 करोड़ तो अगर मांगते तो महाराष्ट्र के बिल्डर दे देते उसको, लेकिन इससे इतनी बड़ी मुहिम जो राहुल जी चला रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं वो। आप समझिए कि ये जो लोकल लीडर्स है कांग्रेस के, उनको बिल्कुल नहीं मालूम कि एक कौन सी लड़ाई चल रही है, इसलिए चल रही है। मुझे तो आश्चर्य होगा कि किसी ने संविधान पढ़ा भी होगा तो मैं उसका पैर धोने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत कम ऐसे नेता है, और जो नेता है उनका मुंह बंद करके रखा, किसने किया क्यों किया ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बोलने का समय मुझ पर इसलिए आ गया क्योंकि हरियाणा में जो हार हुई ना कांग्रेस की, वो हार एक्चुअली जीत थी। कांग्रेस 70 सीट आराम से जीत रही थी। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे उद्धव जी ने खुद बताया, मैं आपको बताता हूँ, वो चाहते थे बताना कांग्रेस को, लेकिन उनको आखिर तक पता ही नहीं चला कि बताना नहीं तो किसको बताना है, तो वो बता ही नहीं सके। वो तो शरद जोशी का व्यंग्य था ना, वो जैसे कि सरकार समस्या आती है तो ठोस कदम उठाती है, कदम इतने ठोस होते कि उठ ही नहीं पाते, तो वैसे हो गया कि वो जो एजेंसी थी जिसने चयन किया था कांग्रेस के उम्मीदवार, यानी विनेबल कैंडिडेट, वो एजेंसी की पूरी हमारे अमित भाई ने हाईजैक कर ली थी। और अमित भाई मतलब गृह मंत्री, ऑफकोर्स अमित भाई इस देश का एक ही भाई अमित भाई, आप समझिए, आप 2002 से जानती है, हम लोगों को पहचान 2014 से हुई। तो मुंबई का भाई कौन, वो आपने देखा है ना फिल्म में, वो सत्या में, वैसे भारत का भाई कौन, तो अमित भाई। तो उनको पता बताने के लिए, क्योंकि उद्धव, अमित शाह, मोदी जी क्या है, भाजपा क्या है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिता इसे वालिद साहब से लेके आज तक जानते हैं, आज के कल के नहीं जानते, लेकिन उनके सलाह किसको चाहिए ही नहीं कांग्रेस में। मैं आश्चर्य, मुझे वो खुद बोलते हैं कि मेरी जानकारी, मेरी ये, उसका कोई
मैं बोला आप बोलिए ना उनको, वो आपके साथ ही आपके साथ उठते बैठते हैं, मैडम आपके साथ उठते बैठ, बोले वो उठने बैठने से क्या होता है राजू भाई, मुझे नहीं पता किससे बात करनी है। और हर क्षेत्रीय नेता की यही हालत है। तो कांग्रेस को अपने आप को सुधारना है या नहीं है, मैं देखिए हम बिलो द बेल्ट कुछ बात नहीं करने वाला जैसे कुछ पत्रकारों ने बात की, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी अपनी आत्म परीक्षा और चिंतन और अपने आप में बदलाव वो लाएंगे नहीं तो संविधान तो खत्म होगा ही, हम और आप तो खत्म अंदर ही जाएंगे, ये तो हमको मालूम है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के बल पे नहीं लड़ रहे। लोगों को फिर से बता दे कि कांग्रेस के बल पर अगर कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है तो हम क्यों लड़े। हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को लीगेसी है, और नेहरू जी के बारे में और गांधी जी के बारे में जो हमको लगता है उससे ये दर्द पैदा होता है, और राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन आप समझिए कि साथ होने का मतलब आप जहां हैं वहां रहो और आप साथ रहो, ऐसा नहीं होता ना। कुछ तो जानकारी है, हम नहीं, चलिए हम उद्धव ठाकरे की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें और 10 लोगों की बात करें जिनसे आप बात करो और समझो कि उस राज्य में क्या हो रहा है, उनके साथ आपकी पार्टी क्या कर रही है। तो ये सारे चित्र मुझे इतना आशादायी नहीं लगता। आप रोज भी वीडियो एक बनाइए ना तो भी अडानी मोडानिज्म खत्म नहीं होगा। अगर आप क्षेत्रीय दलों से चर्चा करके उससे रास्ते निकाले तो 10 दिन में यह सरकार केंद्र की गिर सकती है, मुझे यकीन है, रास्ता मैं दिखा सकता हूँ। तो कांग्रेस को अपना पूरा नजरिया बदलना है, और अभी आपको लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कुछ अपेक्षा रख सकते हैं हम, या बहुत समय निकल चुका है? मैं दो बातें मानता हूं पिस्ता जी, आप भी जानती हैं, आपने तो वोट फॉर डेमोक्रेसी की इतना बड़ा काम किया है। अब आपके साथी निराश हुए लेकिन आप निराश नहीं हुई है, आप लगता है आखिर तक मशाल ले जाएगी, वो गुफा की दूसरी तरफ का आप जो सूरज है वो आप ही देख पाएंगे, हम लोग सब बीच में कहीं ना कहीं ढल जाएंगे लगता है। तो क्योंकि आप में जो उत्साह है, अदम्य उत्साह और आशावाद, वो आपको ले जाएगा वहां तक। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि इलेक्शन मशीनरी जो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से बायस है, जुडिशरी इतनी बायस है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के निशान और ये इसका अभी तक वो उसकी हंसी होगी। अब दुनिया की इतिहास में न्याय देवता का इतना बड़ा अपमान उमर खालिद से लेके उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो जो, जो किसने नहीं किया है, एक बात ये है। दूसरी, इलेक्शन कमीशन तो आप मालूम है राजीव कुमार सिर्फ शेर सुना के आपको जाते हैं, और उन्होंने उद्धव ठाकरे के पिताजी ने जो शेर बनाया था उसको दे दिया शिंदे को, तो वापस ही नहीं आ रहा है, तो वो उसका जवाबदेह नहीं है उसके लिए। यहाँ के डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर्स है, वो लोग सारे दबाव में काम करते हैं, एक भाई जिसके भाई के अंडर। तो आपको ये मालूम है कि उद्धव ठाकरे के एक सांसद यहाँ पर हारे थे 42 वोटों से, 48 वोटों से कुछ, क्योंकि वहां की आरओ थी वो इतनी, उनका करियर इतना भ्रष्ट था कि सिर्फ फोन करे मुख्यमंत्री तो वो पूरा 42 क्या 42,000 वोट दे देते अकेली खुद पे। तो ये टाइप के जो अधिकारी वहां चुनकर रखे जाते हैं, उनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित कांग्रेस के पास या किसी और पार्टी के पास केडर है या नहीं है, मुझे बताइए। तो मैं आशा किस बात से रखूं, ना इनके साथी खुश है, ना इनकी केडर तैयार है, ना इनको मालूम है कि बटन कौन सा दबाना है तो लाइट कौन सी जलेगी, ना इनको 17 AS। मुझे, आपको मालूम है मैं 3 जून को सोया नहीं था, क्योंकि 3 जून रात तक, देर रात तक मुझे कितने देश से फोन आ रहे थे, क्योंकि मैं लगातार निरंतर लिख रहा था ये 17A फॉर्म क्या होता है, ये 17C फॉर्म क्या होता है। अब रात रात भर बैठ बैठ के मैंने बताया। देखिए ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, असल में चुनाव आयोग जिम्मेदारियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा था। तो ये सारे पृष्ठभूमि पर आप इस महाराष्ट्र की इलेक्शन का चित्र देखिए, कौन सा आशावाद आपके मन में जगेगा? लोग जिताना चाहते हैं जिनको, उनको जिता नहीं पा रहे, हरियाणा में हमने देखा। और मोदी सत्ता में नहीं आए हैं 2024 में, आपको मालूम है 161 सीट मिली है, 79 सीट्स वो उनकी नहीं है, आपने ही रिपोर्ट तैयार किया है और वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं हर कांग्रेसी या राष्ट्रवादी के नेताओं के पास जाके देता हूं ना, पूछता है क्या है भाई, आप शॉर्ट में बताइए। मैं बोला आप फिल्म देखने जाते हैं तो डायरेक्टर को फोन करके बोलते हैं क्या, शॉर्ट में बताइए ये फिल्म में क्या है। तो बात यह है, आप ही के मिले हुए 79 सीट्स के बारे में आप सजग नहीं हो। आप जवाब 4 लेटर लिखे जयराम जी ने,
इसको राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर को, अब पांचवा लेटर लिखेंगे, फिर छठा लेटर लिखेंगे, फिर सातवा। अब तो मुझे प्रेडिक्टेबल है कि उसके बाद आठवां लेटर लिखेंगे। अब आठ के बाद नौ आता है, ये तो आप भी जानती है। तो इसके बाद कुछ कदम होना चाहिए जो ठोस ना हो, ये उठ ही नहीं पाए, है ना? तो ये ठोस कदम क्यों उठा रही है कांग्रेस? तो ये सारी चीजें जो है विपक्ष के लिए सारी लागू होती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हर कोई है। जहां से रेवंत रेड्डी खुद 100 करोड़ का चेक लेता है अडानी से, ही इज एनिमी ऑफ द पीपल, क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड। और मैं कई तरह से प्रूव आप कर सकती है, मैं कर सकता हूँ। जवाब जो देखिए, बिजनेसमैन हो आप, लिस्टेड हो आप, जवाबदेह नहीं हो तो आप एनिमी ऑफ द कंट्री हो। तो चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई और आपने बस हमारे आशा को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की। फिर भी हम थोड़ी बहुत आशा रखते हैं। हम 2 दिन पहले एक कृषि कमीशन, किसान कमीशन के बीच में बैठे थे और वहां पे भी जो चर्चाएं हुई महाराष्ट्र के सब किसान लीडरों और एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के साथ, वो यही थी कि जो 3 कृषि कानूनों को किसान आंदोलन की वजह से मोदी को झुक के वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री को, वही कानून को हमारे इंस्टीट्यूशंस को खोखला करके केंद्रीय स्कीम्स के जरिए कॉरपोरेटों को सीड्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट दे दे के लाने की कोशिश 3 साल से चल रही है। तो उसमें भी महाविकास उनकी मांग है किसान संगठनों की, कि क्या महाविकास अघाड़ी भी ये कोशिशों को ठुकराएगी और किसानों के साथ खड़ी रहेगी क्या? तो हर क्षेत्र के लोग ये सवाल अपेक्षा से पूछ रहे हैं कि हमको बदलाव तो चाहिए, मगर किस तरह का बदलाव आएगा? अगर इलेक्शन में एमवीए की जीत आएगी तो भी, तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। आपने हमसे चर्चा करने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमको यकीन है कि आपकी बातचीत लोग सुनेंगे और हमारी और आपकी बातचीत दोबारा रहेगी, जिसपे हम मीडिया और नफरत के बारे में भी बात करेंगे जल्द से जल्द। बहुत बहुत गंभीर परिस्थिति है जरूर, और मुझे पता है कि आज केंद्रीय जो कांग्रेस की राजनीति है, राहुल गांधी जी ने जिसको नेतृत्व लिया है हाथ में, और हमारे राज्य की कांग्रेस के राजनीति में बहुत फर्क है, और अलायंस पार्टनर्स के साथ भी बहुत बहुत तकलीफें हैं। फिर भी सवाल पैदा करते हुए हम अपेक्षा कुछ न कुछ रखते हैं कि बदलाव आएगा, और राजू जी के साथ हम जल्द से जल्द दोबारा भी चर्चा करेंगे, खास तौर से क्लिकबेट जर्नलिज्म पे, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नफरत कैसे फैलाई जाती है, किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह के संघर्ष इसके खिलाफ भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।